माँ विद्यालय की छात्रा, आप सभी का इस शिविर में स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर शोभना गुप्ता मैम, डॉक्टर प्रियांश सर, डॉक्टर प्रशांत सर, हमारी सरपंच महोदया, मिनी गोल्डन सोसाइटी की सचिव ज्योत्सना तिवारी मैम, सुनीता यादव मैम, डॉक्टर अर्चना राठौर, जावेद खान सर, आप सभी का जोरदार स्वागत। हमारे राजमा के शिविर के तीसरे दिन का विषय है स्वच्छता। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आप लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ एवं चाहूंगी कि आप लोग पूर्णतः हमारे सहयोग करें। शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने हुए की जाती है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव हमारी सदस्य, तो इसलिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती सुनीता यादव मैम और डॉक्टर अर्चना राठौर। ओम गणानां द्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्तु दिविस्सीदसादनम् श्रीमद्भक्तये नमः मंगलमूर्तिमूर्या या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम सरस्वत्यै नमः। बोल सरस्वती माता की जय। भाई कितने? आप बताओ कितने? थोड़ा दूर। कितने भाई कितने? आप बताओ कितने? चार। अब केवल आठ रह गए। आठ और कितने भाई कितने? आप बताओ कितने? कितने भाई कितने? आप बताओ कितने? दूर 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 पास तो नहीं बैठा है। कितने भाई कितने?
डॉक्टर अर्चना राठौर मैम को भी हम बहुत देकर अभिनंदित करें। और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर तेलंग सर को कि वो जावेद खान सर को बहुत देकर अभिनंदित करें। अगली कड़ी में माननीय प्रशांत सर डॉक्टर प्रशांत शर्मा गजेंद्र राजौरिया सर को पौध देकर अभिनंदित करें। मैं शोभना गुप्ता मैम से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि छाया चौहान मैम का पुष्प देकर वह पौध देकर स्वागत करें। वही की वही बातों को हम दबा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपके साथ है ना कुछ गलत हो रहा है, आप उसे बोलो ताकि है ना और बहुत बड़ी गलती होने से बच जाए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक है ना दूसरे आपका सहयोग कैसे करेंगे? आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, परिवार में कोई हो, टीचर्स हो, आप अपनी समस्या उन्हें बताओ कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि जब बच्चियों की शादी की जाती है वह अपना परिवार बसाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनका भोजन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उस पीरियड में मतलब कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं, कोई गलत दवाई तो नहीं ले ली है हमने, क्योंकि ये सारे रिएक्शन बच्चे के ऊपर होते हैं। करीब तीन महीने तक हमको अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से देखभाल करना होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाई खानी है कौन सी दवाई नहीं खानी है। अगर हम कोई गलत दवाई ले लेते हैं तो बच्चे में मानसिक विकलांगता या HI की विकलांगता, मतलब कानों से नहीं सुन सकता है, HI में हियरिंग है, ठीक है, VI की विकलांगता, विजुअल इम्पायर्ड ये भी हो सकता है, मानसिक रूप से MR, अच्छा MR भी हो सकता है। तो ये हमें विशेष बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्वास्थ्य है, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, ठीक है, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो हम अपना परिवार का हम अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो किसी प्रकार की विकलांगता ना हो या और कोई समस्या पैदा ना हो या एनीमिया रोग ना हो, महिलाओं में ज्यादातर एनीमिया रोग हो जाता है, ये ऐसी बीमारियां हैं कि हमको पता नहीं चलती है, जबकि कुछ समय के बाद में जब परेशानी आती है तो उसका रिकवर करना काफी मतलब मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर सुनीता यादव जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे कलीग हैं कलेक्ट्रेट में, मैं वैसे बेसिकली पत्रकार हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ, INX न्यूज़ चैनल आप लोग देखते होंगे और हरी भूमि अखबार आता है, और जिस पीछे अखबार बैठा है जी हमारा भी ग्वालियर चेतना नाम से एक पाक्षिक अखबार है, जिसमें कि अलग अलग मुद्दों पर विचार होते हैं ना कि समाचार होते हैं, विचार की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। तो आदरणीय मंच और जो मेरे चक्रायपुर और कुंवरपुर के जो बच्चे बैठे हैं प्यारे प्यारे, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, छोटे छोटे को भी, मैं जिस गांव में करीब 15 साल से आ रहा हूँ लगातार अपने संस्था के माध्यम से, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं, और ये गांव का जो स्वरूप होता था उस गाँव के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आया है। पहले चक्रायपुर और कुंवरपुर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि NSS के स्टूडेंट हैं सब यहाँ आप लोग काम करने के लिए आए हैं, तो ये गांव पंचायत में आता था कुंवरपुर पहले, अब नगर निगम में शामिल हो गया है। कौन सा वार्ड है सर? 63 आपसे 63 नगर निगम का वार्ड हो गया है, यानी आप समझें कि विकास कितना हुआ है, ग्वालियर ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। पहले 60 वार्ड होते थे जब मैं आता था, अब 66 हो गए नगर निगम ग्वालियर के वार्ड, और 66 वार्डों की कल्पना आप करें कि अब यहाँ तक आ गए, और ये सदीचरा वाली रोड या हाईवे यहाँ से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार तो है ही, लेकिन इस विकास की रफ्तार के साथ साथ हमारी सोच की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो अभी नहीं सुनी हुई है। और मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो टॉपिक है स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के ऊपर, तो सेफ सिटी इनिशिएटिव आप लोग समझते हैं कि सेफ सिटी का जो एनवायरमेंट होना चाहिए, हम लोग स्मार्ट सिटी में शामिल हो गए, हमारा ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया, लेकिन हमारी सोच अभी भी स्मार्ट नहीं हुई है, इसीलिए मतलब हम खुद लोग जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदारी सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा आ गई है इन नौजवान किशोर युवा बच्चों को, जिस टीनेजर्स बच्चे बोलते हैं इनके ऊपर है, आप जैसी युवतियों के ऊपर है, और आप लोगों के पास तो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग अपने एकेडमिक के साथ साथ UGPG की छात्राएँ जैसा मुझे बताया गया है, और साथ में NSS से जुड़ी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ती है, तो जो मैसेज यहाँ मिले उसको पूरा स्प्रेड ओवर कीजिए और पूरे
शहर में तो पहुँचा ही दीजिए कम से कम। तो मेरी गुजारिश ये है कि सेफ सिटी की हम बात कर रहे हैं तो सेफ सिटी को लेकर सबसे बड़ी बात आती है कि एक अहम मुद्दा होता है सेफ सिटी में तीन चार चीज़ें होती हैं कि हमको बिजली पानी सड़क और सुरक्षा और उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सबसे होता है जैसे कहा जाता है कि अभी जो एक शहर का जो चेहरा होता है वो एक होता है अच्छा ट्रैफिक। आप कोई भी यात्री बाहर से आता है तो रेलवे स्टेशन पर उतरता है और वो ऑटो करके या टैक्सी करके गाँव से जाना होता है वहाँ पहुँचता है तो उसको अगर रेलवे स्टेशन के बाहर ही दिखाई देता है कि यहाँ तो ट्रैफिक जाम है, रेड सिग्नल लोग तोड़ के जा रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं, तो ये एक असभ्यता सी दिखाई देती है। और एक पूरा सीन जो होता है, मैं फॉरेन टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो दूसरे को इंदौर भोपाल या जबलपुर से भी आता है तो वो देखता है कि ये ग्वालियर में हो क्या रहा है। तो एक पिक्चर बनती है तो इसलिए कहा जाता है कि एक समाज का आईना होता है ग्वालियर किसी भी शहर का ट्रैफिक। मैंने पिछले अपनी संस्था के माध्यम से हमारे राजा जी बैठे जो मेरे सहयोगी हैं तो ये हम लोगों ने ट्रैफिक रोड सेफ्टी एडवोकेसी का एक प्रोग्राम किया, उस करीब 1.5-2 महीने से लगातार चला रहे थे। उसमें यही बताया गया कि आखिर रोड सेफ्टी में क्या मेजर होते हैं। अब स्मार्ट सिटी की मैं कल्पना बार बार करते हैं तो स्मार्ट सिटी में हमारे RTMS सिस्टम लग गया, LED डिवाइडर पे लाइटें लग गई, सब सिस्टम हो गया। अब ई चालान भी आने लगे, अब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करेंगे, रेड लाइट पार करेंगे तो आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा नहीं, आपको ई चालान बन जाएगा उसका और आपके घर पर पहुँच जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ तो उसमें आपके आ जाएगा और उसको ई चालान की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मेन चीज़ तो ये हुई कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो दूसरा मैं सेफ सिटी की बात कर रहा था, तो सेफ सिटी में हम बात कर रहे हैं जो आप गर्ल्स हैं तो सबसे ज़्यादा लड़के बच्चे तो इनकी भी सुरक्षा का मामला है, जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, किशोर भाई के, उनकी भी एक समस्या होती है। किसी भी तरह की किसी को हेल्प चाहिए, चाहे लड़की हो, लड़का हो, युवती हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं तो ये शहर के लिए अच्छी बात है, हम अच्छे कदम की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें खास बात है कि स्मार्ट सिटी ने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, फूलबा है, सिंधी छावनी है, रेलवे स्टेशन के पास है, आप वहाँ ध्यान देंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में रेड बटन लगा हुआ है। जैसे आप सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है और किसी लड़की को, किसी बच्चे को, किसी महिला को अगर कोई खतरा दिख रहा है या उसको किसी हेल्प चाहिए उस बटन को दबाकर वो हेल्प मांग सकती है। उसका स्पीकर है, उसमें आप करेंगे तो उसका स्मार्ट सिटी का जो मोदी महल में कंट्रोल रूम बना हुआ है तो उस कंट्रोल रूम के माध्यम से आपकी बात वहाँ पहुँच जाएगी और आप जिस तरह की आपको सहायता चाहिए आपको 5 मिनट में वहाँ सहायता मिल जाएगी। अब ये तो हो गई जो अभी इम्प्लीमेंट हो गया पूरा, अब इम्प्लीमेंट से आगे की कहानी है जो कि हम लोग स्मार्ट सिटी में सेफ सिटी के तहत काम कर रहे हैं। हमारे जो अर्चना मैडम है उनके जो कंटोनमेंट बोर्ड में स्कूल में पिछले दोनों ही कार्यक्रम किया था, स्मार्ट सिटी के अधिकारी आए, महिला बाल विकास के अधिकारी आए, उन्होंने बताया तो वो एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है, वो और ज़्यादा हाईटेक। उसमें क्या है, जैसे आप हैं, आपके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर में कम पूरे मतलब तीसरी नज़र जैसे बोलते हैं तो CCTV कैमरे के नज़र रखी जा रही है, उस कैमरे के माध्यम से कहीं पर भी कोई अनहोनी हो रही है, अगर बाड़े पे भीड़ जाता है तो वहाँ से कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति देख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैफिक का जो सिपाही है वो जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन साथ में दूसरी बात यह है कि अगर कुछ अनियमितता मिल रही है या कुछ हो रहा है तो वहाँ से वो उसको कंट्रोल ऑफिस से संबंधित पुलिस स्टेशन को या ट्रैफिक पॉइंट को बता के वो हेल्प पहुँचा सकता है। लेकिन हाँ, अब उसमें खास बात यह है कि जैसे एक नया जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, जैसे आप हैं, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप भीड़ में बाड़े पे सिंधे की छावनी में आप खड़े, आपको कुछ रहा कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, आपको कोई खतरा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक अपना हैंड ओवर करेंगे, हाथ ऊपर उठा करेंगे, तो भीड़ में से आपका हाथ ऊपर दिखाई देगा तो वो स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में वो हाथ ऊपर दिखाई देगा, तो वहाँ पर वो हाथ के वो रिलीज करेंगे कि इस युवती को, इस बच्चे को या किसी को हेल्प की जरूरत है, वो आपको आइडेंटिफाई करेगा और आपको वहाँ तक सहायता पहुँच जाएगी। तो ये अच्छा सिस्टम है ना, तो ये एक अपना शहर विकास कर रहा है। लगा रहता है एक रेड बटन, तो वो मतलब कहाँ लगा रहता है, सिग्नल के पास, गांव के बारे में पूछना था, मतलब रेड बटन दबाना रहता है।
देखिए जो सर ने बताया था वो सेफ सिटी के अंतर्गत जो अभी प्लानिंग चल रही है उसमें कंट्रोल रूम में किस तरह की तैयारी की जा रही है, जैसे आपने देखा है फॉरेन में ऐसे हाथ उठाया, ऐसे किया, उसने ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे कर दिया, इसका मतलब होता है हेल्प हेल्प। तो वो अगर भीड़ में भी कोई लड़की है और इस तरह करेगी तो इस तरह का अभी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, लगभग तैयारी पे ही है, 98% हो चुका है, नहीं अपने आप ही हो रहा है महिला बाल विकास में। तो यदि आप भीड़ में हैं और कोई व्यक्ति आपके साथ चल रहा है और अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अगर हमने कुछ बोला तो वो हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कुछ हानि पहुंचा सकता है, कैमरे को देख के तो वो कैमरे के से जो है वो कंट्रोल आपको डिटेक्ट कर लेगा, वहां से आपका जो अलग भीड़ में एक पोस्चर है, जेस्चर है, उससे डिटेक्ट हो जाएगा और वहां पे आपको हेल्प पहुंच जाएगी। यादगार जन्मदिन है आज मैडम का।